ये जो स्तूप है यह चारों दिशाओं को, चारों कोणों को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आठ कोणों को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अपने आप में अलग और अनूठा ऐतिहासिक महत्व है। आप जो निचला बेसमेंट देख पा रहे हो, यह पृथ्वी को इंगित करता है, या फिर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डोम देख पा रहे हो, जो कि यहाँ पर पानी का प्रतिनिधित्व करता है, और ऊपर की जो आप हार्मिका देखोगे, जिसके ऊपर देखे आँखें बनी हुई है, या फिर आइब्रो है, और यहाँ पर नाक बना हुआ है, और एक टीका दिया गया है। वो सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तो च निचं बुद्धगता सति। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व इस YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको नेपाल देश के काठमांडू जिले के काठमांडू शहर के गली गलियों में जाकर, यहाँ पर बस्तियों बस्तियों में जाकर, जहाँ पर घनी आबादी है, वहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर के जो पुरातत्विक जो अवशेष है, या फिर यहाँ पर के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है, वे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस शहर में ट्रैफिक बहुत होता है, और काफ़ी भीड़ भाड़ भरा इलाका होने के कारण यहाँ पर के जो स्तूप है, या फिर यहाँ पर के जो विहार है, वे कंजेस्टेड एरिया में है। तो अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम है, उस इलाके का, या फिर उस विहार का नाम है महाबोधा विहार, जहाँ पर महाबोधा स्तूप है। आप यहाँ पर देखें सामने कितनी ट्रैफिक भरी हुई है, और ये जो रास्ता आप देख पा रहे हो, पशुपतिनाथ की ओर जाने वाला ये रास्ता है, जो रिंग रोड है। रिंग रोड के बीचों बीच में ये वाला जो हाईवे है वो पड़ता है, जिसमें आमतौर पर यहाँ पर सिटी के जो वाहन है, जो गाड़ियाँ है, आमतौर पर यहाँ पर दो चक्कियाँ बहुत है, और ज़्यादातर जो फोर व्हीलर है वो भी हमें दिखाई देती है, और यहाँ पर लोकल वाहन का इस्तेमाल करके भी इन स्थलों तक पहुँचा जा सकता है। वैसे बता दूँ, यहाँ पर काठमांडू में जो ट्रैफिक रूल है, या फिर जो नियम है, उसका कड़ी से पालन यहाँ के जो लोग हैं वो करते हैं। और यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से हम इंडिया में रोड क्रॉसिंग के लिए ज़्यादातर हम लोग जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, या फिर जो क्रॉसिंग के जो ये बने होते हैं, जो मार्किंग होती है, उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ के लोग जो है, जो मार्किंग जो है, जो पट्टियाँ, वाइट पट्टियाँ, उसके ऊपर से यहाँ पर से जो लोग हैं वो जाते हैं क्रॉसिंग के लिए, बनाया गया वो सूचक जो पट्टियाँ है उसी के ऊपर से। और यहाँ पर अब देख पा रहे हो, इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद उतना जो है यहाँ पर एक्सीडेंट का मसला, या फिर उतनी कुछ दिक्कतें आती नहीं, यहाँ के टू व्हीलर वाले भी गाड़ियाँ ठीक ठाक चलाते हैं। देखिए, अभी हम यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थली है, ये जो रास्ता आप देख पा रहे हो वह हमें तय करना है, और आगे से हम जो सर्कल आएगा, वो सर्कल से हम यहाँ पर लेफ्ट लेंगे, और लेफ्ट लेके जस्ट वहाँ से हमें पैदल चलते जाना पड़ेगा। जिस रोड के सटे हमें पार्किंग के लिए जगह देखनी पड़ेगी। देखिए, काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर के जो बौद्ध स्थल है वे कवर कर पाना। इससे पहले आपने देखा होगा, हमने पिछले 6-7 सालों से आपको सारे जंगलों के, गांव देहातों के, या फिर जहाँ पर कोई जाता नहीं, वहाँ वहाँ पर जाकर हमने आपको जो वीडियो है, या फिर जो स्थल है, वे दिखाए हैं वो। और ये सिटी में करना थोड़ा सा कठिन है। और देखिए, यहाँ पर हम और मनोज जी आए हुए हैं, और मुझे देखिए बेसिकली थोड़ी सी ड्राइविंग जो है वो करनी पड़ती है, और पूरा भी इंडिया का जो सफ़र है एक्चुअली ड्राइविंग से ही हमने किया है। और यहाँ पर अभी मनोज जी को थोड़ी सी ड्राइविंग अभी आती है उनको भी, लेकिन कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। बट यहाँ पर अभी हम अकेले हैं, तो रेस्ट भी लेना पड़ता है, और ड्राइविंग करके ऐसे स्थलों तक पहुँचना भी पड़ता है। होटल शालीमार करके है, इस होटल शालीमार और सिविल मॉल के आगे है। यहाँ पर लोग जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है।
अभी वाहन देखना, वाहन पार्किंग के लिए जगह देखनी पड़ेगी। यहाँ पर एक दरबार हाई स्कूल है, इस दरबार हाई स्कूल के पीछे एक रास्ता गया है। देखिए यहाँ पर, यह भोटा हिटी गली है। इस भोटा हिटी गली से हमें आगे जाना है, उस पार जाना है, और ये भोटा हिटी वाला इलाका है। यहीं पर ये जो महाबुद्धा जो स्तूपा जो है, जो विहारा जो है वे स्थित है। एक गली वाला रास्ता था, लेकिन शायद से हम खो जाते गली में, इसके कारण हम वहाँ से नहीं जा रहे। देखिए ये रास्ता, देखिए कुछ ऐसा रास्ता है सीधा सीधा। यह भोटा हिटी की मासा गली है, और इस मासा गली से हमें सीधे जाना है। देखिए यहाँ पर कई सारे शॉप्स है इलेक्ट्रॉनिक्स, और आगे जो है इतने बस्ती में और इतने घनी आबादी में ये जो स्तूप जो है या फिर पुरातत्विक स्थली जो है वे स्थित है। आखिरकार गलियों गलियों से होते हुए हम यहाँ पर ये घनी आबादी वाले ये महाबोधा जो स्तूप है वहाँ पर आए हुए हैं। देखिए स्तूप बहुत अच्छे से इसे संरक्षित किया गया, बहुत अच्छे से इसे प्रिजर्व जो है वो किया गया। देखिए यहाँ पर इसके तीन से चार जो है, मतलब यहाँ पर तीन ही प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, चार नहीं है इसके। तो देखिए यहाँ पर से आपको स्तूप देख पा रहे हो, इसे पुनर्विकसित किया गया, इसे रीडेवलप किया गया, और ये पुरातत्विक स्थलीय सारी की सारी यहाँ पर देख सकते हो। इसके जो द्वारपाल है दोनों सिंह जो है आपको इसके चारों कोणों पर दिखाई देंगे। आइए ये देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर हम अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये जो विहार है ये विहार बंद किया गया है। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे पोटी स्तूप जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है, आज से 1500 वर्ष पूर्व लिच्छवी राजा मान देव का नाती बसंत देव को राजकाल मा, ये जो मान देव है और उसकी जो नाती बसंत देव है उनके काल में ये जो स्तूप है वो बनाया गया है, ऐसी जो सामने बोर्ड है उसके अंदर दी गई है। और ये लगभग संभवतः इसमें 512 से लेकर 532 के दौर का ये जो महाबुद्ध विहार जो है या फिर ये जो स्तूप है उसका जो निर्माण कार्य जो है वे किया गया, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो स्तूप है, स्तूप की मुख्य ऊंचाई जो है ये 15 फीट है, और ये छतावली के साथ इसको बढ़ा दिया गया। और यहाँ पर ये जो वज्र आप देख पा रहे हो यह भी पुराना है, और ये जो वर्क देख पा रहे हो आप, ये लोटस जो है वो ब्रिक्स के अंदर बनाया गया है। इसके रीडेवलपमेंट के बारे में यहाँ की जो महानगर पालिका है उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। और ये विहार है, अंदर यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और शायद से यहाँ पर देखिए आपको इन स्मारकों में ज़्यादातर ऊड का जो इस्तेमाल है वो किया हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ पत्थरों से या फिर ईंटों से नायाब जो कलाकृति है जोड़ जो है वो बनाई गई है। और ये जो स्तूप देख पा रहे हो, स्तूप के चारों कोणों में अलग अलग जो बुद्ध है वे होते हैं, जिसमें आम तौर पर अक्षोभया, अमोघ सिद्धि, अमिताभा और रत्न संभवा, ये जो बुद्ध होते हैं, मतलब ये जो चारों कोणे पर ये बुद्ध होते हैं, और इसके अलावा बीच में वैरोचना नाम के जो बुद्ध है वे होते हैं। तो ये जो स्तूप है ये चारों दिशाओं को, चारों कोणों को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आठ कोणों को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अपने आप में अलग और अनूठा ऐतिहासिक महत्व है। आप जो निचला बेसमेंट देख पा रहे हो यह पृथ्वी को इंगित करता है, या फिर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डोम देख पा रहे हो जो कि यहाँ पर पानी का प्रतिनिधित्व करता है, और ऊपर की जो आप हार्मिका देखोगे जिसके ऊपर देखे आँखें बनी हुई है या फिर आइब्रो है, और यहाँ पर नाक बना हुआ है और एक टीका दिया गया है, वो जो है वो हवा को रिप्रेजेंट करता है, हार्मिका वाला एरिया। और ऊपर वाला जो आप छत देख पा रहे हो यह ब्रह्मांड को ये इंगित करता है, या फिर ब्रह्मांड को यह ब्रह्मांड का जो प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर देखिए ये वज्र जो है आमतौर पर जितने भी हमने यहाँ पर पुरातत्विक स्थल देखे हैं नेपाल देश में तो या फिर काठमांडू में, यहाँ पर आपको ये वज्र दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर पूरी वज्रयान शाखा का यह गढ़ रह चुका है। इसके कारण यहाँ पर सारे के सारे वज्रयानी जो शिल्प है वो दिखाई देंगे। भगवान
बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शारीरिक धातुओं पर स्तूप बनाए गए थे। वह स्तूप मिट्टी से बनाए गए थे, लेकिन बाद में उन स्तूपों को ईंटों और पत्थरों से विकसित किया गया था। यह स्तूप भगवान बुद्ध के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। थेरवादी, महायानी, वज्रयानी और सभी 18 शाखाओं में स्तूप बनाने की परंपरा को अपना लिया है, लेकिन हर पंथ ने उनके शिक्षा अनुसार स्तूपों को प्रस्तुत किया है। वज्रयान पंथ द्वारा जो स्तूप बनाए जाते हैं वह मंडल आरेख को प्रस्तुत करते हैं। यह तांत्रिक आरेख 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तूपों के सामने रखे जाने वाला वज्र तंत्र अनुष्ठानों का एक प्रतीक यंत्र है। इस यंत्र का केंद्रीय खंड गोलाकार होता है, जिसमें 5 शूलों के जोड़े कमल के फूलों से दोनों तरफ से निकलते हैं। वज्र अर्थात अविनाशीता और अप्रतिरोध्य शक्ति का प्रतीक है। यह अंतरहीन रचनात्मकता, शक्ति और कुशल गतिविधियों को दर्शाता है। यह लगभग नेपाल, तिब्बत सहित वज्रयान परंपरा को मानने वाले सभी देशों में आज इस्तेमाल किया जाता है।